हाँ जी दोस्तों, जमात नौवीं का हैगा वा कल यानी कि 13 सितंबर नू पंजाबी बी का पेपर, तो असी पूरा पेपर यह सॉल्व कर चुके हैं। सितंबर परीक्षा में 2023 का साढ़े को पेपर आ, ठीक है जी। पूरा सॉल्व करके तो चंगी तरह आप रिविजन करा दें। देख लो 65 नंबर का पेपर होना वा, 3 घंटे का समा मिलेगा, ठीक है जी। पंजाबी बी के पेपर के नौवीं जमात के, तो देखो सब तो पहला ये सुंदर लिखाई लिए तो पांच अंक मिल जाएंगे। तो दूसरा प्रश्न की है कि सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, तो पहला प्रश्न ये की है व्याकरण के किन्ने भाग हैं, ठीक है जी। यदा उत्तर तुम यहाँ देख सकते हो, व्याकरण के जोड़े 4 भाग हैं। अगला प्रश्न की ये कि साढ़े संविधान किनिया भाषावान मानता प्राप्त है, तो यह आंसर आ जाएगा, तुम देख सकते हो, यह पता ही है तुम्हें कि 22 भाषावान, ठीक है जी, जिन्हों मानता प्राप्त है। अगे है अपना प्रश्न, भाषा के रूप किहड़े हन, तो यह आंसर तुम यहाँ देख सकते हो कि भाषा के रूप किहड़े हन। भाषा के जोड़े रूप दो प्रकार के होंगे, ठीक है जी, आम बोलचाल की भाषा, लिखती भाषा, ठीक है जी। अगला प्रश्न देखो, पंजाबी की टकसाली बोली केड़ी है, ठीक है, तो यह आंसर देख सकते हो कि पंजाबी की टकसाली बोली जिहड़ी हैगी आ माझी है, ठीक है जी। तो अगला अपना प्रश्न की है इत्थे हुण कि वाक किन्ने प्रकार के होंगे, तो आंसर देखो यदा वाक जिहड़ा हैगा वा 4 प्रकार के होंगे। पांचवां प्रश्न का आंसर ये आ। अगे है रचित शब्द किन्ने प्रकार के होंगे, 6वें का आंसर तुम यहाँ देख सकते हो कि आ जाएगा, 6वें का हैगा वा 2, ठीक है। अगला अपना प्रश्न की है इत्थे कि हेठला शब्द का बहुवचन बनाओ, तो हाँ जी की लिखा है दोस्तों, हेठले शब्द का जिहड़ा हैगा वा बहुवचन बनाओ, तो यह आ जाएगा वा हेठले का आ जाएगा, हेठला, दोस्तों रुको, हेठला की लिखा है वा इत्थे, हेठले लिखा है वा कि हेठले का दोस्तों की आ जाएगा, हेठले, ठीक है जी, हेठला लिखा है वा, हेठला का आ जाएगा हेठले। अगे है दोस्तों अपना प्रश्न, हाँ जी अगे हवा शब्द का बहुवचन बनाओ, ठीक है जी, 8वां प्रश्न आ, तो 8वें का आंसर जिम्मे कि तुम देख सकते हो कि आ जाएगा हवामा, ठीक है जी, हवा का आ जाएगा हवामा, ठीक है। तो हुण अगला प्रश्न देखो की है इत्थे, बई तुहाडा जिहड़ा हैगा वा ईमानदार शब्द का विरोधी शब्द की होएगा, ये तो तुहानू पता ही होना, ठीक है जी, ईमानदार का बेईमान आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, ईमानदार तो हो गया, तो हुण है चंगी चोरी, चंगी प्लस चोरी शब्दों तो समासी शब्द बनाओ, तो दोस्तों मैनू यदा लगता वा कि इस तरह बनेगा, चंगी चोरी का इस तरह बनेगा, ठीक है जी। अगर तुहानू लगता कि यह इस तरह नहीं होना, कुछ होर आएगा, तो तुसी मैनू कमेंट बॉक्स के दस दो, क्योंकि यह मैनू श्योर नहीं है, ठीक है जी। बाकी यही है तो कमेंट बॉक्स के क्लीयर करके दस दो, अगर कुछ होर है तो वह भी जोड़ा हैगा वा कमेंट बॉक्स के दस। अगे है दोस्तों, तुहाडा हेठ लिखे विचों जिहड़ा हैगा वा किसी एक विषय उत्ते 500 शब्दों का लेख लिखो, विसाखी का मेला, प्रदूषण की समस्या, करतार सिंह सराभा, तो अपना जिहड़ा हैगा वा दिवाली। तो दोस्तों सब तो पहला देख लो विसाखी का मेला, जो कि असी देख लो जान पछाण, विसाखी का मेला हर साल 13 अप्रैल में भारत में थां थां लगता है। यह त्यौहार हाड़ी की फसल के पकण की खुशी में मनाया जाता है, ठीक है जी। अगे है मेला देखण जाना साढ़े पिंड तो जिहड़ा हैगा 2 मील की विथ ते विसाखी का मेला लगता है। ऐतकी मैं अपने पिता जी नाल मेला देखण गया, रस्ते विच मैं देखा कि बहुत सारे बच्चे नौजवान मेला देखण लई जा रहे सन, सारे ने नवे कपड़े पाए हुए हैं। रस्ते विच असी कुछ किसानां नू कणक की वाढ़ी का शगन पाउंदिआं करदिआं भी देखिआ, आले दुआले पीलियां कणकां इस तरह दिखाई दिंदिआं जिवें कि खेतां विच सोना विछिआ होवे। इतिहासिक पिछोकड़ की है, मेरे पिता जी ने मैनूं दस्सिआ कि विसाखी वाले दिन साडा जिहड़ा हैगा देश का एक पुराना त्यौहार है, इस नूं जिहड़ा हैगा हाड़ी की फसल के पकड़ की खुशी से मनाया जाता है। अज इस त्यौहार का संबंध महान इतिहास घटनावां नाल जुड़ चुका है। इस महान दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहब विच खालसा पंथ की साजना की सी, इस पिछों इस दिन नाल जिहड़ा हैगा साडे देश की आज़ादी का इतिहासिक एक खूनी घटना भी संबंधित हो गई। 1919 विसाखी वाले दिन जलम अंग्रेज़ जनरल डायर ने जलियाँ वाले बाग अमृतसर में गोली चला के निहत्ते लोगों का खून की होली खेडी सी। मेले का दृश्य, यह गल करते करते असी मेले में पहुँच गए, मेले में बाजे बजन लगे, ठीक है जी, तो ढोल खड़ कर रहे थे, भंगूड़िया के चिकन दी कुछ आवाज़ा, तो लाउड स्पीकर की आवाज़ा सुनाई दे रही थी, ठीक है जी। उस तो बाद दोस्तों जादूगर का असी जिहड़ा हैगा वा खेल देखिया, जादू मेले में असी इस्त्रियां भंगूड़े झूट रही सन, मैं भी भंगूड़े झूटे, ठीक है जी। तो जादूगर ने ताश के कई खेल दिखाए, भंगड़ा मार के मैच, ठीक है जी, भंगड़ा तो मैच, असी थां थां जट्टां नूं शराब पीते, भंगड़ा पाते, बुड़का मारते, तो बोलियां पाते हुए देखिया। ज्यों ज्यों दिन बीत रहा सी, मेले की भीड़ वधदी जा रही थी, लड़ाई तो भगदड़, इन्हें नूं सूरज छिपन लगा, इस एक पासे जिहड़ी हैगी बड़ी ही खप जिही पई गई। सानूं पता लग्या कि जट्टां दीआं दो पार्टियां विच लड़ाई हुई पई है, इत्थे जिहड़ा हैगा वा एक बंदे दा जिहड़ा हैगा डांग मार के सिर भी पाड़ दिता गया सी। मेरे पिता जी ने मैनू नाल लै के मेले विचों निकलण दी गल कीती, काली काली असी घरदिआं लई कुछ मिठाइयां खरीद के असी पिंड दा रास्ता फड़ के काफ़ी हनेरे होए असी घर पहुँचे। अगला है दोस्तों प्रदूषण की समस्या, ठीक है जी, तो चलो देखते हैं प्रदूषण की समस्या
ਤਾਂ ਆਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੇਖ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਣਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਹਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਤਲਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੰਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਗੰਦਾ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਗੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸੀਵਰੇਜ ਵਗੈਰਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਦੋਸਤੋ। ਹਵਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਜੋਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਗੇਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਤਾਂ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਬੰਬ ਵਿਸਫੋਟਾਂ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਿੰਗ, ਪਿਸਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਘਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖੰਘ, ਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੋਲਾਪਨ, ਪੇਟ ਗੈਸ, ਖੂਨ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਖੁਰਾਕ, ਸ਼ੁੱਧ ਮਿੱਟੀ, ਅਨੁਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੂਰਜੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਸੌਗਾਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਸ ਦਖਲ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਬੇਯਕੀਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੂਪ ਵਧੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾਂਸ਼ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਉਪਜਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਧਰਤੀ ਉੱਪਰਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਬਾਦੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਕਟਾਈ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਨਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਫਿਰ ਦਿਵਾਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ। ਦਿਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਦਿਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟਣ ਕੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅਯੋਧਿਆ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਘਰ ਦੀ ਦਿਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਜੇ ਫਬੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਪਟਾਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਅਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਟਾਕੇ ਖਰੀਦਣ। ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ
मेरे पिता जी ने मैनू पटाके खरीदने लिए 500 रुपये दिते। असी भिन्न भिन्न प्रकार के पटाके खरीदे जिन्हें में कई तरह की आतिशबाजियाँ, ठीक है जी, हवाइया, मोमबत्तियाँ, फुलझड़ियाँ, अनार, जहाज, टैंक तोड़, जिहड़ा है मिसाइलां आदि शामिल सी। दिवाली का दिन, ठीक है जी, हुण दिवाली का दिन जिहड़ा आ गया, ठीक है जी, मेरे माता जी ने शुभ दिन होने करके सब तो पहला जिहड़ा है सारे इशनान करने लिए कहा। फिर उन्होंने कुछ दीवे लिया के धो तो के सुकण लिए रख दिते। उन्होंने घर कुछ बिच कुछ मिठिया चीज़ा बनाउणियां शुरू कर दित्तियां। शाम तक मेरे पिता जी वड्डा भरा पहुँच गए जिहड़ा साडे नाल मिठाई ते बहुत सारे पटाके लैके आए, ठीक है, जिहड़े साडे लई। अगे दिवाली मनाउणा, शाम पई हनेरा हो गया। मेरे माता जी ने पहला 5 दीवे जगाए ते मत्था टेकिया, एक दीवा गुरुद्वारे भेज दिता, फिर होर दीवे जिहड़े है जगा के मकान के बनेरियां उत्ते इधर उधर टिका दिते। नाल ही असी मोमबत्तियां जगा के इधर उधर लाउणियां शुरू कर दित्तियां। बनेरिया के नाल असी जिहड़ा हैगा वा बिजली के रंग बिरंगे बल्बां दियां जगदियां बुझदियां लड़ियां भी जिहड़ा हैगा वा ला दित्तियां। सारा घर चानण नाल भर गया। असी मकान की छत उपर चढ़ के आले दुआले की नज़र मारी तो हर पासे दीवियां ते मोमबत्ती ते अगे की लिखा है कि अपना ते बिजली दे बल्बां दी रंग बिरंगियां लड़ियां नाल जगमगा जगमगमग हो रही सी, ठीक है जी। आले दुआले जिहड़ा हैगा वा पटाकियां चलण की आवाज़ लगातार आ रही सन ते इधरों उधरों आतिशबाजियां दियां भी हवाइयां ते हनेरियां दियां चीरदारियां चलण दियां आवाज़ मतलब की है चीरदारियां हुई हाँ चीरदियां हुई आसमानों में सितारियां भी वर्खा कर रही सन। कई पटाके लंबिया लड़िया के रूप में सन जिन्हां विच कई थां कई कई मिनट लगातार पटाके चलण की आवाज़ आ रही सी। उन्हां विचों एक दूजे के पिछे लगातार बहुत सारिया आतिशबाजियां जिहड़ी है जा गोले आसमान वल उड़ के फटते हुए कड़कड़ी आवाज़ नाल जिहड़ा है अग दे फुल्लां दी कई रूपां विच वर्खा कर रहे सन। कई आतिशबाजियां विशल बजाउंदियां हुईयां जा रही सन, ठीक है जी। अगे दोस्तों पटाके चलाउण पिछों, ठीक है जी, तो कोई 2 घंटे मगरों असी पटाके चला के रात नूं 10 बजे वेले हुए ते फिर असी सारे एक थां ते इकट्ठे होकर मिठाइयां खाण लगे, ठीक है जी। इस समय बाहरों किसी लड़ाई झगड़े का रौला सुनाई दिता। सानू पता लगा कि कुछ लोगों ने शराब पीती हुई है तो आपस में लड़ रहे हैं। बुराइयां ते बहम भरम। पिता जी ने मैनू दस्या कि कई लोग दिवाली नूं रात नूं जुआ खेडदे हन जो कि दोस्तों बुरी गल है। फिर मेरे माता जी ने एक जिहड़ा हैगा सिलाई नूं दीवे दे जिहड़ा हैगा काला खिला के अखां विच पाउणा लई जिहड़ा हैगा वा कहा ते आख्या जिहड़ा इस नूं ना पावे वो खोते दी जून विच पैदा है, ठीक है जी। असी सारे ने अखां विच जिहड़ी कि सिलाई पा लई पर मेरे पिता जी ने इस नूं बहम समझदे हुए ना पाया। लक्ष्मी पूजा रात नूं जिहड़ा हैगा वा रात नूं सौण वेले माता जी ने जिहड़ा हैगा वा कमरे का बूहा खुला रखा तो सानू दस्या कि दिवाली की रात में घर लक्ष्मी आती है इसलिए बूहा खुला रखना चाहिए है। माता जी ने दस्या कि कई लोग तो सारी रात लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। ये भी दस्या कि कई लोग अपन मुरादा पूरिया करने लई जिहड़ा हैगा वा चुराया आदि ते भी टूने भी करते हैं। यह गल करदे करदे ही सानू नींद आ गई। अगला सी दोस्तों तुहाडा इह दिवाली हो गया करतार सिंह सराभा, ठीक है जी, शहीद करतार सिंह सराभा का देखते हैं हुण। तो देखो गदरी शहीद करतार सिंह सराभा, ठीक है जी, भारत का कुरबानी भरिया इतिहास। भारत का इतिहास देश भगतियां की कुरबानियों नाल भरपूर है। अंग्रेजी राज के कायम होने तो पहला गुरु गोबिंद सिंह जी शिवाजी और राणा प्रताप के देश भगति भरे कुरबानिया कारनामे कौन भुला सकता है, ठीक है जी। जन्म और बचपन, तो देखो करतार सिंह सराभा का जन्म 24 मई 1896 ईस्वी में मंगल सिंह के घर माता साहिब दे होया, ठीक है जी। अमरीका जाना, उड़ीसा विच 10वीं पास करन मगरों 1911 विच पढ़ाई करन लई अमरीका चला गया। 1912 विच ओह बरकले यूनिवर्सिटी विच रसायण विज्ञान की पढ़ाई करन लगा। अपनी पढ़ाई के खर्च लई मजदूरी करदिया उसने हिंदू मजदूरों नाल हुंदे नस्ली विदकरे नूं देखिया ते अंग्रेजां विरुद्ध नफरत नाल भर गया, ठीक है जी। जून 1912 विच उसने हिंदी नौजवानों का इकट्ठ करके पहली तकरीर करदिया उन्होंने भारत नूं आज़ाद कराने का उपराला करन दी प्रेरणा दित्ती। अगे गदर पार्टी दी सरगर्म मैंबर बनना, ठीक है जी। प्रसिद्ध देश भगत लाला हरदयाल ने जिहड़ा जोशीला भाषण सुन के वह देश उत्ते जान भरन लई तैयार हो गया। 21 अप्रैल 1913 नूं अमरीका विच हिंदी मजदूरों ने गदर पार्टी की नींह रखी ते गदर नां दा हफ्तावार अखबार भी कढ़न दा फैसला किया। भारत वल चलना 25 जुलाई 1914 नूं अंग्रेजा ते जर्मना विच लड़ाई शुरू हुई। उस समय गदर पार्टी दे अपील ते हज़ारां गदरी हिंदुस्तान नूं चल पए। अगे इनकलाबी काम करतार सिंह सराभा लंका के रस्ते जिहड़ा हैगा वा भारत पूजा ते लुक छिप के देश की आज़ादी लई काम करन लग पिया, ठीक है जी। ते ओह गदर गुजां दियां इह 17 आम गाया करदा सी। सेवा देश दी जिंदड़ी बड़ी औखी, गल्लां करनियां बहुत सुखलियां ने।
अगे गदर की नाकामयाबी ते गिरफ्तारी। ठीक है, गदर पार्टी ने देश में अंग्रेजों विरुद्ध गदर करने लई 21 फरवरी 1915 तरीक मिथी, पर मुखबर मुखबर करपाल सिंह राही सरकार नू इस दी जिहड़ी कि सौ लग गई तां इह तरीक बदल के 19 फरवरी कर दिती गई, पर फिर भी जिहड़ा हैगा सरकार नू उस मुखबर राही इस तरीक का भी पता लग गया। सरकार ने फौजियां नू बेहथियार करके जिहड़ा हैगा वा गदरियां दे गिरफ्तारियां शुरू कर दित्तियां। करतार सिंह सराबा, हरनाम सिंह टुंडी लाट ते जिहड़ा हैगा जगत सिंह ने पहले अफगानिस्तान भजना चाहिया, पर गदर दी गूंज इह सतर बनी सिर सेरा दे के भजन भज के याद आउंदियां हैं, उन्हां दी अणख ने उन्हां नूं अजिहा करन तों रोकिया। ठीक है जी, अगे है दोस्तों अपना मुकदमा ते सज़ा। करतार सिंह सराबा ते उसदे साथियों विरुद्ध जिहड़ा राज धरोह फौजां नूं विगाड़न डाकियां ते जिहड़ा हैगा वा कतलां दा मुकदमा चलाया गया। ठीक है जी, तां उन्हां नूं जिहड़ा हैगा वा 24 गदरियां नूं फांसी ते 17 नूं उम्र कैद काले पाणी अते होरना कुछ घट सजावां सुनाईयां शहीदी। इन्हां सजावां इन्हां सजावां विरुद्ध सारे देश में हलचल मच गई। ठीक है जी, अंत सरकार ने 17 गदरियां नूं फांसी नूं जिहड़ी कि उम्र कैद में बदल दिता। 16 नवंबर 1915 करतार सिंह सराबा ते उसदे 6 साथियों उत्ते जिहड़ा हैगा वा फांसी उत्ते उन्हां नूं टंग दिता। इस समय सराबे की उम्र केवल 19 साल सी। ठीक है जी, गदर पार्टी के प्रधान बाबा सोहन सिंह पखणा अनुसार करतार सिंह सराबा हर काम विच उन्हां तों मोहरे रहा ते कुर्बानी विच भी उन्हां नूं पिछे छड्ड गया। इस प्रकार करतार सिंह सराबा छोटी उम्र देश की आज़ादी लई जान वर के समुचे देशवासियों नू मन विच आज़ादी की मंग की चंगियाड़ी बीज गया, जिस दे सिटे वजो पैदा हुई लहरां एक दिन अंग्रेजी साम्राज नू भारत विच अपना बोरिया बिस्तरा गोल करन लई मजबूर कर दिता। ठीक है जी, तो यह तुहाडा हो गया। अगे है दोस्तों अपना मित्र सहेली भैन ते भरा ते मतलब ब्याह दे विच शामिल ना होने संबंधी पत्र लिखो सहेली नू पढ़ाई ते खेडां विच बराबर दिलचस्पी लैण लई। ठीक है जी, तां देखो दोस्तों सब तो पहला यह तुहाडा हैगा वा, ठीक है जी, आ रहा। ठीक है जी, मित्र जां सहेली ते मतलब उहनां दे भैन दी शादी सी उहदे विच तुसीं पहुँच नहीं पाए, उहदे रिगार्डिंग तुसीं लैटर लिखणी आ, इस नू रीड कर लो चंगी तरह। जिवें कि आ देख लो, प्रीख्या भवन स्कूल, ठीक है जी, शहर 12 जनवरी 2023, जगदीप भैन दी शादी उत्ते ना पहुँचण सकन लई जिहड़ा हैगा वा माफ़ी मंगण तो पहला मैं अपने सारे परिवार वल्लों भैन जी दे आनंद कारज दी हार्दिक वधाई भेजदा हाँ। इस समय तुहाडे घर शादी दीआं रौनकां लगियां होणगियां, मेरी चिट्ठी मिलण तक भैन जी अपने सहुरे जा चुकी होणगियां। मेरी इह दिली इच्छा सी कि मैं इस खुशी भरे मौके ते आवां, पर पिता जी दी मौत हो गई अचानक, मौत नहीं हुई परंतु कल पिता जी दी अचानक दिल दी तकलीफ हो जाण करके सानू तुहाडे घर आउण दा प्रोग्राम छड्डना पिया। पिता जी नूं कल इकदम जिहड़ा हैगा अस्पताल विच लिजाणा पिया, उत्थे उहनां दी हालत हुण सुधार हैगी आ। मैं आस करदी हाँ कि तू मेरी मजबूरी नूं समझ सकेगा, मैनूं शादी उत्ते ना पहुँचण सकण मतलब की है हाँ जी उत्ते ना पहुँच सकण संबंधी खिमा करेंगी। मैं परमात्मा अगे भैण जी दी शादी ते कारज नूं निर्विघन नपेरे चाड़न ते भविख ते जिहड़ा हैगा जीवन विच उस नूं खुशियां नाल भरपूर करन दी कामना करदी हाँ। साडे परिवार वल्लों आप जी दे परिवार नूं शादी दीआं जिहड़ी कि बहुत बहुत वधाईआं ते भैण जी नूं शुभ इच्छावां, तेरी सहेली जसदीप। ठीक है जी, तां इह तुहाडा हो गया। अगे है अपना खेडां विच बराबर दिलचस्पी लैण बारे आ। ठीक है जी, तां देखो अपने गूढ़े मित्र जां सहेली नूं चिट्ठी लिखो, उह पढ़ाई अते खेडां विच बराबर दिलचस्पी लवे। तां देखो की है, प्रीख्या भवन January 10, 2023, प्यारे सुरेंद्र, मैनू माता जी की चिट्ठी तो पता लगा है कि तेरी सेहत ठीक नहीं रहती है। इसका कारण उन्होंने यह दसिया है कि तू रात दिन पढ़ाई विच सिर सुट के जिहड़ा हैगा लगा रहिंदा है, तेनू खाण पीण दी आराम करन दी जरा भी सुरत नहीं है। उन्होंने मैनू लिखा कि तेरी भुख भी घट गई है ते रंग पीला पै गया है। यह गल्लां जाण के मेरा मन बहुत ही दुखी होया है, भाव मैं तेरी पढ़ाई विच लगन की प्रशंसा करती हाँ, पर तेनू यह गल नहीं भुलनी चाहिए कि सेहत एक वड्डमुला खजाना है, इस नाल ही दुनिया के सारे आनंद माने जाते हैं। जेकर तू अपनी सेहत चंगी रखेगा तो तू अपने दिमाग तो भी जिहड़ा हैगा वधेरे काम लै सकदा है, इस करके तेनू सेहत का पूरा ख्याल रखना चाहिदा है। इस मंतव लई तेनू हर रोज़ खेडां विच भाग लेना चाहिदा है, एक विद्यार्थी लई खेडां दी बहुत ही ज़्यादा जरूरत हुंदी है। ठीक है जी, इन्हां ने उसके जीवन में बहुत ही महानता हुंदी है। विद्यार्थी के जीवन का अर्थ यह नहीं है कि सारा साल इम्तिहान पास कर लो बस, सगो इस समय नौजवानों को अपनी दिमागी उन्नति के नाल नाल शरीरक उन्नति वल भी पूरा ध्यान रखना चाहिए है, क्योंकि जान नाल ही जहान है, रिष्ट पुष्ट शरीर नाल ही उन्नत दिमाग तो कम लिया जा सकता है। इस करके तेनू सेहत का पूरा ख्याल रखना चाहिए है। इस मतलब तेनू पढ़ाई के नाल अपनी सेहत को ठीक रखने लई खेडों में जरूर भाग लेना चाहिए है। खेडों नाल साडे शरीर विच बहुत सारा लाभ पहुँचता है, खेडते समय साडे दिमाग का लगभग
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡਾ ਉਹ ਲਗਭਗ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਸ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਆਦਿ ਖੇਡੋ, ਸਗੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਹਾਕੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ, ਕਬੱਡੀ ਆਦਿ ਦੌੜਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੌਰਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾ ਰਚਨਾ ਲਿਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ, ਮਿਲਵਰਤਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਰਾ ਰਚਨਾ ਦੇਖੋ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਤੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਕੇ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੁੱਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਥਾਂ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਲਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 21ਵੇਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਕੂਲੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਿਲਮਾਂ, ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਰਤਾ ਆਦਿ, ਇਹ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਖੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੇਜਣਾ, ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣਾ, ਦੇਖਣਾ ਸੁਣਨਾ, ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਣਾ, ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਸਹਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਖੜੋਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਉਸਤਾਦੀ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਤਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨਾ। ਮਹਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉੱਲੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਵਾਂ ਉੱਤ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਲੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਵਾਂ ਉੱਤ ਜਾਣਾ, ਉੱਲੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੌਸ਼ਰਬਾਜ਼ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਲੂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ ਆਵਾਂ ਉੱਤ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਪੈੜਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਆਵਾ ਹੀ ਉੱਤ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇੱਕੋ ਤਕੜੀ ਦੇ ਵੱਟੇ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਤਕੜੀ ਦੇ ਵੱਟੇ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕੋ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ। ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਤਕੜੀ ਦੇ ਵੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਭ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪੱਕਾ ਸਾਥੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਸੀ।
अगे है वह कि गली जिथे भाबो नहीं खड़ी। ठीक है जी, वह कि गली जिथे भाबो नहीं खड़ी या फिर भागो। ठीक है जी, तो वह कि गली जिथे भागो नहीं खली। साढ़े पिंड का जोड़ा है वा गुरजीत सिंह पिंड के हरेक मसले में शामिल हों, भावें कोई घरेलू झगड़ा होई पंचायती मसला हो। ठीक है जी, चंदा मंगण वाले नाल घर घर घूमना हो, उसनू हर थान हाजिर वेख के लोग कह देंदे हन कि वह कि गली जिथे भागो नहीं खड़ी। ठीक है जी, अगला अपना प्रश्न की है, कंधा दे भी कन्न हुंदे हन। ठीक है जी, तो कंधा दे भी कन्न हुंदे हन, तो देखो कंधा दे भी कन्न हुंदे हन। चरणजीत अते अमनदीप दोवे भरा अपने घर की कबीलदारी बारे उची उची बोल के गल कर रहे सन, तो उन्होंने पिता जी ने कहा कि पुत्र घर के भेत की गल करद आवाज़ हौली रखी दी है। सियाने कहते हैं कंधा दे भी कन्न हुंदे हन। ठीक है जी, अगला तुहाडा की है प्रश्न, व्याकरण किसनू कहते हैं, इसके किड़े किड़े अंग हैं। ठीक है, तो देखो व्याकरण किसनू कहते हैं। ठीक है जी, तो व्याकरण अजिही विद्या है जिस भाषा के धुनी उच्चारण शब्द रचना शब्द जोड़ शब्द अर्थ और वाक रचना के नियमों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है जी, तो अपना व्याकरणिक नियमों में बुझ के ही कोई भाषा साहित्यक या फिर टकसाली रूप धारण करती है। ठीक है, तो उस तो बाद दोस्तों इन्हों के अंग भी पूछे गए हैं, अंग किड़े हैं, तो इन्हों के अंग भी देखते हैं। तो व्याकरण के अंग जिमें कि दोस्तों अंग हेठ लिखे हैं, जिमें कि धुनी बोध, बचन बोध, शब्द बोध, वाक बोध, तो अर्थ बोध। इस तो बिना व्याकरण में विश्राम चिन्ह, शब्दों जोड़ा, मुहावरे, मुहावरेदार, वाकंशा, तहखाना का भी चर्चा की जाती है। यह उन्होंने अंग ने। अगे है मूल शब्द किड़े होंगे हैं, तो देखो आंसर मूल शब्द, उन्हों शब्दों मूल शब्द कहा जाता है जिहड़े दूजे शब्दों की सहायता तो बिना अपने आप बने हुण। ठीक है जी, हर भाषा के मूल शब्द थोड़े जिहड़े हैगे आ हुंदे हन, अते इन्हां नूं अगे तोड़िया भी नहीं जा सकता, जिवें कि मुंडा, दुख, सुख, पाणी, झूठ, सच आदि। ठीक है जी, तो रचित शब्द तो चलो तुसीं इसनूं रीड कर सकते हो, रचित शब्द वो शब्द हुंदे हन। ठीक है जी, उन्हां नूं कहा जाता है जिहड़े किसी होर शब्द या फिर शब्दांशां की सहायता नाल बनते हैं, जिवें कि निडर, कुजात, परमात्मा, जानवर, बुद्धिमान आदि। ठीक है जी, तो इतने पूछा भी होना आप तो, देख लो मूल शब्द नहीं, रची शब्द नहीं पूछा है, चलो फिर भी पढ़ लो कोई नहीं। उत्पन्न शब्द केड़े होंगे हैं? ठीक है जी, उत्पन्न देखो सब तो पहला, उत्पन्न शब्द वह शब्द जो शब्दांश या फिर शब्द जिहड़े मूल शब्दों नाल अगेतर या पिछेतर भावें अगे या फिर पिछे लगा के बनाए जाते हैं, उन्होंने उत्पन्न शब्द कहते हैं, जिमें अगेतर, पिछेतर। ठीक है जी, अगेतर खुश जिहड़ा हैगा वा खुशदा या खुशकिस्मत, खुशहाली, दूरदा जाएगा दुर्घटना, दुर्गंध। पिछेत्र लगा के जिमें कि वरद आ जाएगा जानवर, परमेश्वर, खाना दा जाएगा मुर्गी खाना, ते डाक खाना। ठीक है जी, यह तुहाडा आंसर हो जाएगा। अगला है अपना दोस्तों की है शब्द जोड़ शुद्ध करके लिखो, असी लुधियाना शहर में रहते हाँ, तो इसनू सही तरीके नाल किस तरह लिखना वा, असी लुधियाना शहर में रहते हाँ। ठीक है जी, आह तुहाडा करैक्ट होएगा बिल्कुल, मैं कल जलंधर शहर जावांगा, इसनों भी गलत लिखा हुआ वा, इसनों इस तरह लिखांगे, मैं कल जिहड़ा हैगा वा जलंधर शहर जावांगा। ठीक है जी, कल दे विच इस तरह इनू भी यही पा लियो, आ वाला एवें लिखियो, कल इत्थे थोड़ा जिहा गलत लिखा हुआ वा, कल इस तरह का लिख लियो। ठीक है जी, इत्थे आह वाला पा लियो। तो हुण अगला है अपना की, इत्थे नाल ही पुछिया हुआ वा, हाँ जी, शुद्ध करके लिखो, जिवें कि वेड़ा, प्यारा, बहुता, दुपहर आया। ठीक है जी, तो इसनों आपां सीरियल वाइज लिखा हुआ वा, जिवें कि आह देखो वेड़ा, प्यारा, बहुता, दुपहर आया। ठीक है जी, आह स्पैलिंग करैक्ट ने जो कि आह लिखे हुए सी। अगे है कम अगेतर ते बाला पिछेतर लगा के दो 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 शब्द जिहड़ा हैगा वा बनाओ, तो कम दा आ जाएगा कमजोर, कमबख्त, वाले दा आ जाएगा दुध वाला, ते बाजे वाला। ठीक है जी, ये तुहाडा आंसर हो गया। इत्थे ही दोस्तों ये पेपर साडा जिहड़ा सीगा जमात नौवीं का पंजाबी बी का पेपर पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो गया वा, तो एक होर पेपर जिहड़ा मैं तुहानूं कराया होया वा उहदा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैगा वा, तुसीं उसनूं भी देख सकते हो। ओके दोस्तों, ये सीगा तुहाडे जमात नौवीं दे पंजाबी बी का पेपर। ऑल द बेस्ट।